हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। तो आज मैं आपसे फिर से लेकर आ चुका हूँ 10 मिनट इंडोनेशिया की एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम भाई अपना एक जो बड़ा वाला टूर है वो शुरू कर चुके थे और भाई उसी रूट पर हम जा रहे थे, और बीच में आप लोगों को पता है कि भाई मेरा बहुत बड़ा जो है एक्सीडेंट भी हो चुका था, और जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर आकर भाई एक ट्रक ने, छोटे वाले ट्रक ने हमारी बस को ठोक दिया था, जिससे हमें हमारे जो पीछे बस के बहुत जोर का इम्पैक्ट आया था 2% का। आप लोग देख दो, ये हमारी लाइट जो है ये टूट चुकी है, यहाँ की बैक लाइट तो इतनी इतनी भाई ये टूट चुकी है, हमें ये भी ठीक करवानी होगी। तो 2% का डैमेज आप लोगों को पता है यहाँ पर आ रखा है। तो आज हम भाई अपने रूट को कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे की तरफ चलने वाले, देखते आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं मैप में, देखते एक बार कि कहाँ तक हम आ रखे हैं। तो पिछली बार हम भाई जम्पी से चल पड़े थे और भाई एक दो सिटी हम पार कर पाए थे, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेट में नहीं पहुँच पाए थे। तो आज हम शायद प्लेम बैंक में पहुँच ही जाएंगे, ये दो तीन सिटी जो हैं क्रॉस करनी होंगी, ये पार करके हम भाई प्लेम बैंक पर पहुँच ही जाएंगे। और भाई फिर वहाँ पर, वहाँ से आगे बहुत बड़ा रूट हमारा है, जो कि भाई हमारा जो टूर है बहुत दिनों में पूरा होगा, और देखते हैं क्या पता भाई कहीं पर बीच में भी इनकी कोई डेस्टिनेशन हो, वहाँ भी इन्हें घूमना हो। तो फिलहाल भाई बारिश जो हो शुरू हो चुकी है, अपनी बस को लेकर चलते हैं भाई आगे की तरफ और भाई फिर कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी जर्नी को। फिलहाल तो भाई यहाँ से लेफ्ट लेना होगा और भाई राइट जाना होगा हमें रोड पर। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा देख कर भाई जो है हमें रोड जो है पार करना पड़ता है, क्योंकि भाई जो भी यार व्हीकल आता है यार कोई भी ठोक कर चला जाता हमारी बस को यार। तो यहाँ पर बारिश तो रुक चुकी है और हम भाई बिल्कुल सही टाइम पर जो है चल पड़े हैं। हमारे जो हजार्ड हैं, हजार्ड लाइट्स, इनको बंद कर लेते हैं और चल पड़ते हैं हमने रूट की तरफ। और भाई जो मैप है ये मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया यार, इसमें भाई कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे जो इसका डिफ़ॉल्ट था वो ठीक था यार, तो यहाँ पर ये ठीक है, हमारा जो मैप है ये ठीक है। और भाई ये कर दे, वैसे ये कैसा रहेगा, ये भी ठीक है यार। नहीं भाई वही ठीक है भाई हमारा। तो फिलहाल भाई मैंने यहाँ पर मैप की जो सेटिंग है वो रीसेट कर दी है और भाई वापस से वही वाली कर दी है। तो लेकर चलते हैं अपने बस को अपने रूट पर और भाई जल्दी जल्दी से पहुँचाते ही नहीं कहीं कहीं ना कहीं पर तो पहुँचा ही देते हैं। आज हम भाई नेक्स्ट स्टेट में जो है एंटर कर जाएंगे ज़रूर से ज़रूर। तो फिलहाल भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक भाई ट्रक का एक्सीडेंट जो हो रखा है अभी भाई मुझे ये, तो चलो भाई टाइम पर मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पर एक ट्रक रुक रखा है, और भाई नहीं तो अभी बड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाता भाई हमारा। और भाई स्क्रैच तो आएंगी भाई, कुछ 1-2% तो हमारा डैमेज आना ही आना है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। सामने तरफ भी भाई एक जो वैन आ चुकी है, अभी फ़िलहाल हमने जो ट्रक है इस साइड में भी कर दिया भाई, और लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। हमारी बस पर चलो कोई भी डैमेज आया नहीं, हमने बिल्कुल धीरे कर रखी थी अपने बस, तो इसलिए हमारी बस पर कोई डैमेज नहीं आया। वैसे भाई ये जिस तरह से बीच में खड़ा था भाई हमारा एक्सीडेंट तो बहुत बुरा वाला होता। तो फिलहाल भाई हम एंटर कर चुके हैं एक बहुत अलग से रोड पर। देखो भाई आप लोग यहाँ पर ये कुछ मतलब बहुत पुराना सा रोड है ये भाई, पता नहीं किस प्रकार का रोड है लेकिन है बहुत मस्त भाई, चौड़ी चौड़ी रोड भाई, मज़ा आता भाई ऐसे रोड पर चलाने में। देख सकते हो आप यहाँ पर एक छोटी सी हमने ड्रिफ्ट भी मार दी है और हमारी बस भाई है ही ऐसी। मैं भाई अभी इधर मुड़ जाता, चलो बच गए हम थोड़े से, तो चलते हैं।
भाई आप लोग देख सकते हो कि हम पनीम बैंक में है अपना जो एंटर कर चुके हैं। तो फिलहाल भाई पनीम बैंक के अंदर ही हम जो है चल रहे हैं, हम मतलब जो नेक्स्ट स्टेट थी हमारी पनीम बैंक उसमें हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर रास्ता बंद है तो यहाँ से हमें राइट जाना होगा। राइट जाकर भाई पता नहीं कहाँ जाना होगा भाई, यहाँ से हमें आगे जाना है। यहाँ पर इनकी कोई डेस्टिनेशन जो है नहीं है, तो यहाँ से हमें आगे जाना होगा या फिर हो आगे चलकर तो मुझे पता नहीं। हम मुझे तो लगता है भाई हमें जो इस जो स्टेट है ये हमें क्रॉस करनी होगी। तो चलते हैं भाई, करते हैं इसे भी क्रॉस, या फिर भाई कोई डेस्टिनेशन है तो भाई फिलहाल यहाँ पर हमारा जो है दोबारा से एक्सीडेंट हो चुका भाई। मैं भाई जो रियर व्यू है भाई वो लेकर चला, मैं भाई रियर व्यू जो है लेकर चला रहा था और भाई सीधी भाई यहाँ पर फुटपाथ पर चढ़ गई और भाई खंबे में जा भिड़ी भाई। हमारी बस 6% नहीं भाई 4% का हमारी बस में फिर से डैमेज आ चुका है। तो यहाँ से हमें भाई लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाकर भाई कहाँ से घुमा रहे भाई ये मुझे, यहाँ से भाई राइट, राइट जाकर यहाँ से एक छोटी सी ड्रिफ्ट मार देते हैं। ड्रिफ्ट मारने के बाद भाई हम यहाँ से फिर से लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जा रहे हैं भाई फिर से हम, और भाई ये क्या घुमाया भाई, गूगल मैप वाला काम कर रहा है भाई, इनका मैप भी भाई कहीं से भी घुसा देता है। तो फिलहाल देखते हैं भाई आगे चल क्या हुआ भाई। बस भी जो रिपेयर करवानी पड़ेगी भाई, यार एक्सीडेंट का यार बहुत ज़्यादा गलत सिस्टम हो गया यार, मुझे भाई ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, रखें भाई ध्यान। तो फिलहाल भाई हम चल रहे हैं एक ब्रिज पर भाई, बहुत बड़ा ब्रिज है भाई ये, और मज़ा आ रहा है वैसे ब्रिज पर चलाने में तो यार, और कोई भी इतनी कुछ ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है। ओ भाई बिल्कुल चौड़े में चल रहे हैं हम तो, एम्पेरा तो भाई ये इसका नाम है भाई ब्रिज का। यहाँ से हम जा रहे हैं, कोई डैम वगैरह है या फिर हाँ डैम वगैरह ही होगा यार ये भी, उसके ऊपर से ब्रिज बना रखा है। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं भाई, और भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है यार। फिर से मेरा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि आगे से कोई ट्रक पास हुआ है। चलते हैं फिलहाल भाई, इन लोगों ने हमें यहाँ पर कंफ्यूज़ कर दिया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि भाई हमें जाना किस तरफ है, हमें जाना भाई सीधा नहीं, सीधा नहीं जाना भाई हमें, मैं एक बीच में से भाई कट मार लेता हूँ, सीधा नहीं जाना भाई हमें। यहाँ से भाई एक कट है तो यहाँ से अपनी बस को मोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई सीधे जाकर भाई एक जो है गोल चक्कर है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से भाई मैंने अपनी बस जो है मोड़ ली है, तो पीछे भाई एक गाड़ी ने भी टक्कर मार दी हमारी बस में। पता नहीं भाई क्या हमारी बस से क्या दुश्मनी हो रखी है इन लोगों को यार, जब ही लेते और हमारी बस को ठोक देते हैं, ये कुछ गलत बात नहीं है यार इन लोगों की। आप बताइए भाई अपनी राय बताइए भाई कमेंट्स में, इन लोगों की ये गलत बात है या फिर नहीं। हाँ मैं भाई वैसे आ ही गलत गया। फिलहाल भाई वो आज की हम जर्नी को यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि भाई हमारी जर्नी जो है वो यहाँ पर समाप्त होने ही वाली है। यहाँ से बस 10 मीटर और आगे हमारी जो जर्नी है समाप्त हो जाएगी। उससे पहले भाई मैं अपनी बस को ही पार्किंग में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी बस को जो पार्किंग में लगा दिया, यहाँ पर कोई भी इसको नहीं से देगा भाई। तो फिलहाल आज वाली में भाई इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाइंग को जरूर जरूर ऑलवेज सेट करना, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहे और आप लोग ऐसी वीडियोज़ और भी देख पाओ। तो मिलते सब को अगली वीडियो में, सब राम राम और बाय बाय। और देखो भाई यहाँ पर भी डैमेज आ चुका हमारी बस में।